ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ संबंध बना रहा है। वो पागल हो जाती है और उससे बदला लेने का फैसला करती है। मूवी की शुरुआत में हम किसी को सिड्यूसिंग से मैसेजेस टाइप करते हुए देखते हैं और फिर एक बच्चे को पानी में डूबते हुए दिखाया जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं, इसका नाम केविन है, जो टकला है लेकिन हॉट है। उसे एक चेयर से बांधा हुआ है। वो सैडी नाम की लड़की से पूछता है, हनी तुम क्या कर रही हो? सैडी कह रही है, वही जो तुम मेरे साथ करने यहाँ आए हो। फिर उसे कोई पिल्स खिलाती है जो असल में स्लीपिंग पिल्स है। सैडी कहती है, मैं तुम्हारा फोन ड्रायर से नहीं सुखाना चाहती थी, तुम बहुत नॉटी मैसेजेस करते हो लेकिन उतनी तेजी से उन्हें डिलीट नहीं करते। देखो उन मैसेजेस की वजह से आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मूवी 28 घंटे पीछे चली जाती है जहां हम सैडी को उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के साथ देखते हैं। सैडी एक बारटेंडर के साथ फ्लर्ट कर रही है। जेनिफर कहती है, किसी को तो मेरे लिए छोड़ दो, तुम्हारा तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। केविन और सैडी 6 महीने से डेटिंग कर रहे हैं और सैडी जेनिफर को बताती है कि वो केविन के साथ एक रोमांटिक वीकेंड पर जा रही है और उसे लगता है कि इस बार केविन उसे शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। जेनिफर कहती है, केविन अच्छा आदमी है लेकिन तुम उसे बस 6 महीने से जानती हो। सैडी कहती है, केविन से शादी करने का ख्वाब तो वो तब से देख रही है जब वो केविन से पहली बार मिली थी। और वो मजाक करती है कि शायद जेनिफर को उससे जलन हो रही है क्योंकि वो सैडी से शादी करना चाहती है। सैडी कहती है, सॉरी डार्लिंग, हम दोनों ही गेन नहीं है। वो जेनिफर से प्रॉमिस करती है कि जेनिफर उसकी मेड ऑफ ऑनर बनेगी, लेकिन ये सब सुनकर जेनिफर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हम सैडी को केविन के साथ देखते हैं। वो दोनों एक खूबसूरत विला में छुट्टियां मनाने आए हैं। ये विला दरअसल केविन का है। केविन को सिगार पीने की आदत है। सैडी कहती है, इतना पियोगे तो तुम्हें कैंसर हो जाएगा। केविन कहता है, वो सिगार के धुएं को अंदर तक नहीं लेता और सिगार सिगरेट से कम खतरनाक है। दरअसल सैडी को सिगरेट की लत है। उसके बाद सैडी केविन को सिड्यूस करने लगती है और अपनी ड्रेस उतार कर झील की तरफ भाग जाती है। केविन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी सैडी को इल्यूजन्स होने लगते हैं जिसमें उसे एक बच्ची पानी में डूबती हुई दिखाई देती है। फिर वो झील के अंदर जाकर अपनी पैंटी उतार कर उसे गोल गोल घुमा कर फेंक देती है। ये देख केविन भी अपने कपड़े उतार कर झील में कूद जाता है और वहाँ ये दोनों छई छपा छई करने लगते हैं। वापस आकर सैडी अपने और केविन के कपड़े सुखाने के लिए अंदर जाती है और फिर उसे केविन का फोन मिलता है जिसमें कुछ मैसेजेस थे। उन्हें पढ़कर सैडी अजीब बिहेव करने लगती है। वो केविन के पास आती है और पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? केविन कहता है, हाँ बेबी। सैडी पूछती है, क्या तुमने कभी मुझे धोखा दिया है? केविन कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है, क्या बच्चों की तरह बातें कर रही हो, आओ मेरे पास। उसके बाद सैडी पर्स का सारा सामान नीचे डालकर सिगरेट ढूंढने लगती है। उसके पर्स में केविन को नींद की गोलियां दिखती है। केविन को सैडी का नींद की गोलियां खाना पसंद नहीं है। वो कहता है, तुम ये सब खाना बंद कर दो। सैडी कहती है कि मैंने सुना है इन दवाइयों को खाने से इंसान पागल हो जाता है। फिर वो केविन के ऊपर चढ़कर उसकी पैंट्स खोलकर उसे जोर जोर से ओरल देकर काटने लगती है और फिर पेपर स्प्रे लेकर केविन की आंखों में डालकर एक डंडे से केविन के सर पर हमला करती है। केविन एक कुर्सी से बंधा हुआ जागता है। उसे ऐसा लगता है कि अब सैडी उसे जन्नत दिखाएगी। वो शांत रहता है लेकिन सैडी उसे बताती है कि वो जेनिफर के साथ उसके अफेयर के बारे में जानती है और केविन के उन मैसेजेस को पढ़ती है जो उसने जेनिफर को भेजे थे और जेनिफर की मैजिक पूसी की तारीफ की थी और लिखा था कि वो सैडी से इस वीकेंड पर ब्रेकअप कर लेगा। सैडी पूछती है, तुम मुझसे इस वीकेंड के कौन से पार्ट में ब्रेकअप करने वाले थे हनी? जब हम 10-15 बार इंटीमेट हो जाते तब? सैडी बताती है कि वो केविन से बताने वाली थी कि वो प्रेग्नेंट है और उसने लिथियम लेना भी बंद कर दिया है जो एक तरह का ड्रग होता है और वो प्रेग्नेंट औरतों के लिए अच्छा नहीं होता और वो ये बच्चा पैदा करना चाहती है। तभी जेनिफर को मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो आज कुछ एक्स्ट्रा नॉटी पहनने वाली है। केविन सैडी से कहता है उसने कुछ मैसेजेस किए थे लेकिन वो एक गलती थी। सैडी केविन के फोन से जेनिफर को मैसेज भेजती है कि सैडी और केविन अलग हो गए हैं और जेनिफर को उसी जगह बुलाती है। सैडी केविन को बेडरूम में ले जाती है, उसे बिस्तर से बांध देती है और उसका गला घोटती है। फिर मोमबत्ती और गुलाब की पंखुड़ियों और साथ ही जेनिफर के लिए कुछ शैंपेन रख कर रोमांटिक माहौल बनाती है और फिर से लिथियम खाती है। केविन कहता है, ये हमारे होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। सैडी कहती है कि मेरी मॉम हमेशा ड्रग्स लिया करती थी जब मैं पेट में थी तब भी, लेकिन देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम फिट हूँ।
तभी जेनिफर आती है और सैडी केविन के फोन से मैसेज करके उसे रोज पेटल्स को फॉलो करने को कहती है। जेनिफर अंदर आती है, शैंपेन पीती है और जल्दी से कपड़े उतारती है और घुटनों के बल रेंगते हुए ऊपर आती है। जैसे ही जेनिफर केविन के ऊपर बैठती है और अपने हाथों को हैंडकफ से बांधने लगती है, सैडी उसके गले में कुत्ते का पट्टा डालकर कहती है, बैड डॉग। सैडी जेनिफर के सारे कपड़े उतारकर उसे बाथटब में बैठाती है और कहती है केविन को साफ सुथरी लड़कियां पसंद है। सैडी उसे बताती है कि पुराने जमाने में जो औरतें किसी दूसरे के मर्दों के साथ घपाघप करती थी उनके बाल काट दिए जाते थे। सैडी जेनिफर के बालों को कैची से काट डालती है। वो जेनिफर को बेड पर लेटा देती है और केविन एक कुर्सी से बंधा है। सैडी जेनिफर के कुत्ते को माइक्रोवेव में पकाने की धमकी देती है अगर केविन उसकी बात नहीं मानेगा तो। सैडी कहती है कि अब उन्हें उसकी पीठ के पीछे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। केविन मान जाता है और जेनिफर को ओरल देता है। फिर वो उन दोनों को जबरदस्ती खाना खिलाती है और फिर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देती है और सिगार पीने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। सैडी जलता हुआ सिगार केविन के कानों में डालकर चली जाती है। दरवाजे पर केविन की पड़ोसी होती है जो केविन के लिए कुकीज लाई थी। अब उन्हें क्या पता कि केविन का गार्डन में बारबेक्यू बन रहा है। उतनी देर में केविन खुद की रस्सियां खोलकर जेनिफर से कहता है कि उसके बेडरूम में पिस्टल है। जेनिफर कहती है अब मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, जाकर पिस्टल लेकर आओ। केविन कहता है बेबी अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। वो ऊपर जाता है लेकिन सैडी केविन को पिस्टल ढूंढते हुए पकड़ लेती है। उसके बाद वो नीचे आती है। जेनिफर सैडी से कहती है कि उसे केविन से कुछ लेना देना नहीं है, तू अपना बॉयफ्रेंड अपने पास रख और भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। सैडी कहती है भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर सैडी जेनिफर के हाथ को एक वाइस में डालकर उसकी सभी उंगलियां तोड़ देती है जिस वजह से जेनिफर बेहोश हो जाती है। सैडी उसकी दिल की धड़कन चेक करती है कि वो जिंदा है या निपटली। फिर वो केविन के पास आती है और कहती है तुम्हें हमारी फेवरेट मूवी का फेवरेट सीन याद है ना। वो हथौड़े से केविन के पैर का एंकल तोड़ देती है और यही सीन केविन का कभी फेवरेट हुआ करता था। टूटे हुए एंकल को देखकर सैडी को उल्टी होने लगती है और वो दूसरा एंकल तोड़ने का काम पोस्टपोन कर देती है। फिर वो जेनिफर के पास आती है और उसे पिल्स खाने को देती है। जेनिफर कहती है इसकी जरूरत नहीं है, अब उसका हाथ सुन हो गया है, उसे दर्द फील नहीं हो रहा। सैडी कहती है खाली पगली आगे काम आएगी। सैडी जेनिफर को उसके बचपन के कुत्ते की कहानी सुनाती है। उसके पापा उसके लिए एक पपी लाए थे, वो पपी से प्यार करती थी लेकिन पपी को उसकी बहन से प्यार हो गया, इसलिए सैडी ने उसकी बहन को डुबोकर मार दिया और वो इल्यूजन असल में उसकी बहन के थे जिसे सैडी ने डुबोकर मार डाला था। फिर वो जेनिफर की स्माइल और दांतों की तारीफ करती है और कहती है तुम बहुत सुंदर हो और उसका एक दांत निकाल देती है। वहाँ केविन को बेड से बांधा हुआ है और वो अपने पैर से फोन उठाने की कोशिश कर रहा है। नीचे सैडी उसके लिए चाय बना रही है और कहती है देखो मैंने कितनी सुंदर पोल का ड्रेस पहनी है। वो ऊपर आती है और केविन को फोन के साथ खेलते हुए देख लेती है और फिर वो उसकी आंखों में इलेक्ट्रिक शॉक देती है और अपने हाथों से उसे चाय पिलाती है। सैडी जेनिफर को एक नाव के पास ले जाती है, वो उसे डुबाने का प्लान बना रही है लेकिन जेनिफर बच निकलती है और एक कार से लिफ्ट मांगती है लेकिन उस कार में सैडी होती है। सैडी उसे कार में बैठने को कहती है। जेनिफर सैडी से कहती है कि ये सब उसने उन दोनों के लिए किया क्योंकि वो सैडी से प्यार करती है। जेनिफर सैडी को चूमती है और फिर कार से बाहर कूद जाती है और घायल हो जाती है। सैडी कार से बाहर निकलती है। जेनिफर सैडी के बूट्स का मजाक उड़ाती है और कहती है तुम्हारे बूट्स कितने छोटे हैं, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, सब तुम्हें पागल समझते हैं। ये सब सुनकर सैडी जेनिफर का गला दबाने लगती है लेकिन उसे मार नहीं पाती। वो कार से रेंच लेने जाती है तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। सैडी कहती है उसकी कार खराब हो गई थी। पुलिस उसे बताती है कि एक क्रिमिनल जेल से भाग गया है, सावधान रहो। पुलिस को क्या पता ये लौंडिया तो उस क्रिमिनल से भी ज्यादा बड़ी वाली क्रिमिनल है। तभी पीछे से जेनिफर आ जाती है और पुलिस को आवाज लगाने लगती है लेकिन एक ट्रक उसे कुचल देता है। सैडी इसे देखकर कहती है ओह माय गॉड भगवान सच में होता है। सैडी वहां से चली जाती है और उसी क्रिमिनल को रास्ते में लिफ्ट मांगते हुए देखती है। वो उसे कार में बैठाती है और उसके साथ घपाघप करती है और फिर उसे मार देती है और कार को उस क्रिमिनल सहित घर ले आती है। घर पर उसे केविन नहीं मिलता, वो उसे ढूंढने लगती है। केविन और सैडी में फाइट होने लगती है, पिस्टल पूल में गिर जाती है। सैडी पिस्टल उठाने पूल में जाती है और केविन पर गोलियां चलाती है। केविन बच जाता है और एंकर का तीर सैडी के बूट्स में घुसाकर उसे घायल कर देता है। केविन नाव की तरफ भागता है, सैडी उसके पीछे आती है और केविन का सर मोटर पर दे उसे मार डालती है और कहती है
मैंने तुम्हें माफ किया, वो उसे एक पप्पी देती है। तभी केविन उसका गला पकड़ता है और वापस मर जाता है। सैडी सीन सेट करती है, अपनी उंगलियों को जख्मी करती है और पुलिस को फोन करके कहती है कि एक क्रिमिनल ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला। और फिर पुलिस आती है और उसे पूछती है कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि उन्हें क्राइम सीन से कुछ ऐसी दवाइयां मिली हैं जो प्रेग्नेंट औरतें खाती है। सैडी कहती है नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब वो केविन का पोपट बना रही थी। एक पुलिस वाला जेनिफर के डॉग को लेकर आता है। सैडी ऐसा शो करती है जैसे वो उसका डॉग है, लेकिन डॉग सैडी के पास आने से डरता है। सैडी पुलिस से पूछती है कि क्या वो वही क्रिमिनल था जो जेल से भाग गया था। पुलिस कहती है हाँ। कुछ महीने बाद सैडी का एक नया बॉयफ्रेंड है, वो एक वेट्रेस से बात कर रहा है। सैडी उस वेट्रेस के बम देखकर कहती है नाइस एस। लड़का कहता है सैडी तुम बहुत सुंदर हो। सैडी पूछती है तुम मुझे कभी चीट तो नहीं करोगे। लड़का कहता है कभी नहीं। सैडी कहती है अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और हंसती है। दूसरी तरफ वही वेट्रेस दूसरी वेट्रेस के साथ बात कर रही है और वो उससे कहती है सारे क्यूट लड़कों की गर्लफ्रेंड क्यों होती है। जिस पर वो वेट्रेस जवाब देती है वो ज्यादा देर तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रहने वाली। और फिर उसे उसी लड़के का मैसेज आता है और मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।